क्यों परेशान हो रही हो? कुछ नहीं होगा तुम्हारे बेटे को, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम क्यों चिंता कर रही हो? हाँ आभा, तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था। ये लोग यहाँ खड़े खड़े घटिया बातें कर रहे हैं और आप आभा पे इल्जाम लगा रही हैं। माँ को क्यों कह रहे हो करण? माँ तो सिर्फ इतना कह रही है ना कि आभा को ख्याल रखना चाहिए था। तो आपके हिसाब से आभा ने ध्यान नहीं रखा? करण, करण तुम भी एक पिता हो, एक बच्चे की अहमियत तुम समझ सकते हो। और मेरा बेटा तो सिर्फ 3 दिन का है। आपका बेटा, आपका बेटा मेरा कुछ नहीं लगता, आभा का और विमल भैया का कुछ नहीं लगता, राइट? सही कहा आपने, मैं भी एक बाप हूं और मैं बाप आपसे पहले बना था, इसलिए बच्चों के बारे में शायद मैं आपसे थोड़ा ज्यादा जानता हूं। बच्चे सभी प्यारे लगते हैं भैया, चाहे वो बेटा हो या बेटी। और आंटी जी, ये कोई फैशन की बात नहीं है कि एक बच्चा पैदा हुआ और हमारा परिवार पूरा हो गया, और हमने आपकी तरह 3 बेटियों बाद एक बेटा पैदा करने की कोशिश इसीलिए नहीं की क्योंकि हमारी पीढ़ी इस देश की बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने की एक कोशिश करना चाहती है, जो अगर आपकी पीढ़ी ने की होती तो शायद हमारे देश का ये हाल ना होता। कैसा हाल जानती है? हमारा देश आज उन्नत देशों में नहीं गिना जाता, हमारा देश प्रगतिशील यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज में माना जाता है, और इसका कारण सिर्फ आपकी पुरानी घटिया दखियानूसी सोच है कि लड़का और लड़की में बहुत फर्क होता है, वो अब तक टिकी है और प्रभावित कर रही है आप इस जनरेशन को। काम काज पैसों में आप कितनी भी तरक्की कर लीजिए, विचारों में हमेशा पिछड़ी ही रहेंगी आंटी जी। एक बात बताइए वीर भैया, मेरी बेटी और आपका बेटा सगे भाई बहन से कम है? इनके पास जवाब ही नहीं है, ये है आपके विचार। विचारों की दुहाई देकर अपनी ओछी सोच मत छुपाओ करण। तुम और आभा अपने भाई के बेटे से जलते हो, अगर उसे समझते ना तो आभा की वकालत करने के बजाय उसे सबक सिखाते। देखिए बहन जी, एक बात बता दूं आपको, अगर मैं कुछ कहूंगी तो यहां सबको बुरा लगेगा, पर अगर ऐसे ही हालात रहे तो मुझे प्रियंका को और उसके बच्चे को लेकर यहां से जाना। नहीं नहीं, आप कैसी बातें कर रही हैं? ये इस खानदान का वारिस है, ये तो यहीं रहेगा। लेकिन हमारी एक शर्त है, जो लोग मेरी बेटी और उसके बच्चे का बुरा चाहते हैं वो लोग उसके करीब भी नहीं जाएंगे। आंटी जी, आप तो घर वाली हैं और मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी तरह आपको कुछ कहूं। अगर आप नहीं चाहती कि हमारे बीच कोई कहा सुनी हो तो एक शब्द मत बोलेगा, इसीलिए इन घटिया सोच को और विचारों को बढ़ावा देना बंद कीजिए। माँ आप कुछ कहिए। करण, तुम इन सब बातों में दखल मत दो, आभा नहीं छुएगी प्रियंका के बच्चे को। माँ, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, बल्कि मैं आपसे वादा करती हूँ।
सही नहीं हुआ। ये मेरा घर है और जिस तरह हर बच्चा इस घर में महफूज रहा है, ये पोता भी इस घर में महफूज रहेगा। पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं माँ। मुझे तो हैरानी हो रही है लोगों की सोच पर, जो खुद तो गंदा सोचते ही है लेकिन दूसरों के दिमाग में भी जहर भर रहे हैं और आप इन सबकी बातें सुन रही हैं। क्योंकि हम उज्जैन जा रहे हैं ना, इसलिए। और वहां पे हम अपने भैया और बहन से मिलेंगे। और आप भी तो हमारे साथ जा रहे हो, आप चलोगे ना हमारे साथ? आपको पता है वहां पे अश्मी है, पावनी है और एक नया छोटा बेबी भी है। आप उसे मिलोगे ना, उसके साथ खेलेंगे, ठीक है? देखो हम नए छोटे बेबी के लिए कितने सारे गिफ्ट लाए हैं, तो हम उस बेबी को देंगे। आप दोगे ना उसे? और हम तन्वी के लिए क्या लाए हैं? देखो ये तन्वी के लिए। कैसी है ये? मेरे लिए है। आपके लिए है? अच्छी है, चलो गुड। अभी हम इसको बेबी के गिफ्ट्स के साथ रख देते हैं, आपको वहां जाके पहनाएंगे, ठीक है? और वहां तो आभा आंटी भी बेबी के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आएगी। आपको आभा आंटी अच्छी लगती है ना? चलो अब जल्दी से अपना होमवर्क फिनिश कर लो, ठीक है? चलो अब हम जल्दी से होमवर्क फिनिश करेंगे, ठीक है? अरे हाँ, जूस, आपको जूस पीना था ना? I love you, mommy. I love you too. चलो फिनिश। मेरी आभा से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरा बेटा मेरी जान है। आप तो माँ है ना, आप समझ सकती है मैं क्या कह रही हूँ। तुम क्यों चिंता कर रही हो? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बच्चे को। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं उस पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। प्रतिभा, चुप रहो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो प्रतिभा? और ये क्या महफूज लगा रखा है? ये मेरा घर है और जिस तरह हर बच्चा इस घर में महफूज रहा है, ये पोता भी इस घर में महफूज रहेगा। और तुमने कैसे सोच लिया कि आभा इस बच्चे को दुख पहुंचाएगी? खैर तुम भूल गई हो कि आभा ने अश्मी को अपनी बेटी से ज्यादा प्यार दिया है। ये हर इंसान यह जानता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पापा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ? और आपने तो देखा है, आप तो जानती हैं। मेरे मन में कड़वाहट होने के बावजूद आभा ने मेरे बच्चे को अपने बच्चे की तरह प्यार किया। उसकी देखभाल की और वो आभा प्रियंका के बच्चे के साथ इतनी घटिया हरकत करेंगे, आपने ये सोच भी कैसे लिया माँ? मुझे तो हैरानी हो रही है लोगों की सोच पर, जो खुद तो गंदा सोचते ही हैं लेकिन दूसरों के दिमाग में भी जहर भर रहे हैं और आप इन सबकी बातें सुन रही हैं। हाँ माँ, शैली बिल्कुल ठीक कह रही है। और वीर तू? तुझे क्या हो गया है? ये लोग तो बाहर वाले, पता नहीं पढ़े लिखे हैं भी या नहीं, पर तू तो इस घर में पला बढ़ा है ना, पढ़ा लिखा है ना तू? आज तक इस घर में कभी भेदभाव नहीं हुआ। बचपन में हमारे बीच में, कनिका के बीच में आज तक भेदभाव नहीं हुआ, फिर तू इन लोगों की बातों में आकर क्या बातें बना? बाहर वालों को दोष देने का क्या फायदा, जब हमारा परिवार ही ऐसे बोल रहा है तो बाहर वाले आके इसका फायदा तो उठाएंगे ही नहीं।
मैं औरतों के मामले में ज्यादा बहस नहीं करना चाहता प्रतिभा, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, इस घर में मैं सबसे बड़ा सदस्य हूं और इस घर में ये दोबारा नहीं होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों बनाया जा रहा है? आप निश्चिंत रहिए, हमारा पोता स्वर्ण भवन में बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। इस बात की हम जिम्मेदारी लेते हैं। तुम किस बात का बुरा लगा रहे हो? उन लोगों की बातों का जिनकी सोच इतनी छोटी है कि वो आज भी ये मानते हैं कि एक लड़का और एक लड़की में कोई फर्क है, तो रहने दो उनको उस सोच में। और अगर उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता ना, हमें भी कोई जरूरत नहीं है अपने भतीजे के साथ खेलने की। लेकिन तुम्हें मेरी कसम आभा, अरे आज तो मजा ही आ गया स्वर्ण भवन में। मगर रमा तू इतनी दुखी क्यों लग रही है? हाँ? अरे तो क्या हुआ, इंदौर के ऑडिशन छूट गए तुम्हारे डांस इंडिया डांस के? एक और मौका है तुम्हारे पास तकदीर की टोपी बांधने का, बस www.danceindiadance.zeetv.com पर जाओ और कंप्यूटर के सामने खड़े होकर अपना डांस दिखाओ। अगर तुमने अच्छा किया ना तो तुम्हें भी मिल जाएगी तकदीर की टोपी। मगर रमा तू ऑडिशन देके क्या करेगी, नाचना भी आता है तुझे? आप अगर तैयार है तो चले। जी वो आपका ब्रोच? हाँ वो ड्रॉअर में होता है। हम जानते हैं, लेकिन हमने जानबूझ के आपका ड्रॉअर नहीं खोला, कहीं आपको बुरा ना लगे। नहीं ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। बातें किसी से भी शेयर नहीं करना चाहता।
से हमारा अतीत जानने की कोशिश नहीं की। हम जानते हैं जिंदगी के कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान फिर कभी पलट कर देखना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी अगर कभी वो दर्द बताने का मन हो आपका, तो एक दोस्त की हैसियत से हम हमेशा आपके पास मौजूद रहेंगे। आने से ये घर घर लगने लगा है। दुनिया में इंसान के पास कितना भी ऐशो आराम का साजो सामान हो, लेकिन अपनों के बिना सब बेमायने होता है। गाड़ी में इंतजार कर रहा हूं। गलत समझ रहे हैं क्या? हम ऐसे इतने बुरे हैं या फिर इतने सालों में हमें कोई समझ ही नहीं पाया? हम भी तो माँ हैं, हमारी भी तो बच्ची है, और कोई भी माँ किसी भी बच्चे को तकलीफ में दुख में नहीं देख सकती, और वो तो हमारा भतीजा है, हम चाची हैं उसकी। अपना सारा दुख दर्द भुला के प्रियंका भाभी के बेटे की स्वागत की तैयारियां की हमने, आपने भी देखा ना, फिर भी हम ही पर इल्जाम। तुम्हारा मन साफ है, मैं जानता हूं तुम्हारा मन साफ है, तुम जानती हो, तुम्हारा भगवान जानता है। फिर तुम किस बात का बुरा लगा रही हो? उन लोगों की बातों का जिनकी सोच इतनी छोटी है कि वो आज भी ये मानते हैं कि एक लड़का और एक लड़की में कोई फर्क है। अनफॉर्चुनेटली वो लोग महावीर भैया और प्रियंका भाभी हैं। और ठीक है, अगर उनकी सोच इतनी छोटी और इतनी ओछी हो गई है कि वो अपनों का प्यार नहीं समझ पा रहे और उन्हें ये बात रियलाइज नहीं हो रही कि उन्होंने कैसे बिहेव किया है और क्या कहा है, तो रहने दो उनको सोच में। दुख उनकी सोच का है, और अगर उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता ना, हमें भी कोई जरूरत नहीं है अपने भतीजे के साथ खेलने की। अब क्या कह रहे कर? इस सब में उस छोटे छोटे से बच्चे का क्या कसूर? कोई कसूर नहीं है, कोई दोष नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हर बार मेरी पत्नी अपमान का घूंट पी के अपना फर्ज निभाए। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन तुम्हें मेरी कसम आभा, ये सब क्या हो रहा है कर? जितना हम इस परिवार को अपने रिश्तों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही हमारा परिवार बिगड़ता जा रहा है।